हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉस टेकर जोन में। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन निकाली गई है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट के लिए एक नई नोटिफिकेशन निकाली गई है, उसी के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट एग्जाम कराया जाने वाला है, ये दूसरी बार जो है इनकी तरफ से पीईटी की एग्जाम कराई जाने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेता हूँ। यदि आपने 10th किया हुआ है, पास किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ यदि आप 18 to 40 ईयर्स एज में लाई करते हैं, तो यदि आप इन दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट आते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में। यहाँ पे इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ तिथि यानी स्टार्टिंग डेट जो है, वो आप लोग ऑनलाइन आवेदन जो कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो 28/6/2022 है। इसके बाद जो है लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का 27/7/2022 यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। इसके बाद आवेदन में यदि आपके पास आपके से कोई गलती हो जाती है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए 3/8/2022 तक आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट बता दी है, upssc.gov.in। इसी वेबसाइट पे आपको जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर देना है। और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करेंगे वो ऑनलाइन मोड से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो इसके पहले जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट कराई गई थी, पीईटी की एग्जाम हुई थी वो 2021 का, उसका जो है परिणाम 28/10/2021 को घोषित कर दिया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने अपने इस नोटिफिकेशन में बताया है कि जो है ऑनलाइन के माध्यम से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, और इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते समय 5 भागों में इसको विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, इसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, इसके बाद जो बची हुई फॉर्म होगी उसको फिलअप करना है, इसके बाद आपको फी पेमेंट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, और इसके बाद पांचवें और लास्ट स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। यहाँ पे इन्होंने 18 to 40 ईयर्स एज लिमिट बताई गई है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे मेंशन की हैं। तो फोटो और सिग्नेचर के बारे में इन्होंने बताया है कि फोटो जो है 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर इस रेशियो में होना चाहिए आपका फोटो, और 6 महीने के अंदर का फोटो होना चाहिए। इसके बाद इसकी जो साइज है यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है 50 KB का वो साइज होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने अभ्यर्थी का हस्ताक्षर लिखा है कि 3.5 × 1.5 सेंटीमीटर इस साइज का होना चाहिए, और जो साइन होता है जो आपका सिग्नेचर हस्ताक्षर रहेगा वो हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो फी पेमेंट है, एप्लीकेशन फी क्या होने वाली है, तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 185 रुपीज़ एप्लीकेशन फी होने वाली है, और OBC के लिए भी। इसी तरह से SC ST से यदि आप बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से, तो 95 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन फी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आवेदन पत्र में संशोधन, यदि आपको मॉडिफाई करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को तो आपको अपने मोबाइल नंबर या ईमेल पे आपको OTP प्राप्त होगा लॉगिन करने के बाद, और उसी OTP के से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में जो गलती है उसको सुधार सकते हैं। लेकिन अपने आप मोबाइल नंबर या ईमेल नंबर को, जो आपका ईमेल आईडी है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को ध्यान से रजिस्टर करते समय सुनिश्चित कर लीजिएगा कि यही ईमेल आईडी आपको रखना है और मोबाइल नंबर को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इसकी जो स्कोर कार्ड की जो वैधता है वो 1 साल की होने वाली है। इसके बाद जो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने अपने इसमें नोटिफिकेशन में आपको बता दिया है कि इसमें इस एग्जाम में क्या क्या आपको पूछा जाएगा, यानी कि अपना सिलेबस यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। सिलेबस में यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट को बताया है, ज्योग्राफी भूगोल के बारे में बताया है, इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है एवं लोक प्रशासन के बारे में पूछा जाएगा, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, अंक गणित जो है, अर्थमेटिक जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी से प्रश्न होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, और लॉजिकल रीजनिंग, तर्क
एवं तर्क शक्ति, इससे रिलेटेड भी सवाल होंगे, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, इससे सवाल रहेंगे। तो ये इन सारी इस सवालों को मिला के 100 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और आपके जो प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपका निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होगा, जो कि 1/4 होगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस चैनल को, ताकि आगे आने वाली कोई भी नई नोटिफिकेशन आपको चैनल पे सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगली नई नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।